सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए, तभी सफल होने का असली मजा आएगा। जान लगा दो या फिर जाने दो, क्योंकि जिस वक्त आप चद्दर तान के सो रहे होते हो उस वक्त कोई दूसरा आपके सपने को अपना हकीकत बना रहा होता है। आज का पंचांग 7 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 12:17 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र रात्रि 10:16 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 7 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार, आप आज ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी कमियों के बारे में जानते तो हैं लेकिन उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहते, जैसे कि उनमें खुद में कोई कमियां नहीं हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। उन अच्छे लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो आपको पिछले कुछ वर्षों में मिले हैं और उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करें। आज आपकी कोई कल्पना साकार होने वाली है। कोई शुभ समाचार मिलने से आपके अंदर आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ चल रहे गलत फहमियां दूर होगी और संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। लोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा लेकिन अपने संगत को परखने की आवश्यकता है। जिन लोगों के साथ आपका मेल मिलाप है ऐसे लोगों के विचारों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। जीवन को सही दिशा देने के लिए समय महत्वपूर्ण है। बेकार के खर्चे टालने की कोशिश करें। फिलहाल योजना के अनुसार काम करते रहें। करियर में सुधार करने के लिए अपनी रिस्क पर ध्यान दें, स्किल्स पर ध्यान दें। पार्टनर के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। बच्चों की सेहत पर भी ध्यान रखें। सावधानियां, ज्यादा जल्दबाजी होना भी तनाव दे सकता है, इसलिए अपने स्वभाव के प्रति मनन और चिंतन करें। अपने चारों ओर होने वाली गतिविधियों पर ध्यान दें क्योंकि आपके काम का श्रेय कोई दूसरा ले सकता है। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में उचित सामंजस्य और प्रेम पूर्ण व्यवहार बना रहेगा। लव अफेयर्स के मामलों में लकी रहेंगे। आपको अपने पार्टनर के भले के लिए उनसे किसी बात पर कहा सुनी करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि उन्हें आपकी बात अच्छी न लगे लेकिन आपको उन्हें अपनी बात समझानी होगी। इस बात को बहुत अधिक लंबा ना खींचे नहीं तो बात बिगड़ भी सकती है। शांति से पेश आए। शाम को आपकी उलझे हुए व्यवहार के कारण आपको अपने पार्टनर से और भी अधिक सम्मान मिलेगा। बात करते हैं करियर की। आज के दिन उनके लिए अच्छा है जो कि निर्माण के व्यवसाय से जुड़े हैं। आज के दिन आपको जांच पर रखकर निवेश करना चाहिए क्योंकि ये अवसर लघु समय के लिए है। अपने इस चीज के लिए जो वित्तीय रणनीति बनाई थी उनका फल अब आपको मिल सकता है। बिजनेस में आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए कोशिशें बढ़ानी होगी। इस समय दूर दराज के पार्टियों के साथ संपर्क में रहें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाय में कुछ फायदा होने की उम्मीद है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से खुशी होगी। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन अपने स्वास्थ्य में सुधार और अपनी सेहत के लिए कोई दृढ़ संकल्प वाला कदम उठाने में बिताएं। आज आप अपनी सख्त शारीरिक एक्सरसाइज वाले क्लास ज्वाइन करें या कोई डाइट शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह भी तय है कि आप चाहे जो सोचें उस पर आसानी से चल पाएंगे। आप मानसिक सेहत के लिए भी सांस की एक्सरसाइज तथा योग आदि कर सकते हैं।
स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आज खत्म होगी और आप इसे काफी हद तक आराम महसूस करेंगी। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी के मंदिर में शंख कौड़ी, कमल मखाना और बतासा आदि अर्पित करें, लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।